हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हुंडई की टॉप सेलिंग एसयूवी कार हुंडई क्रेटा के बारे में। 6 वेरिएंट में ये कार अवेलेबल है, ई, ईएक्स, एस, एसएक्स, एसएक्स एग्जीक्यूटिव एंड एसएक्सओ। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये इसका एसएक्स डीजल वेरियंट है। बात करें कलर की तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ये इसका पोलर वाइट कलर है। टॉप सेलिंग वेरिएंट हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि जो सारे फीचर आपको एक कार के अंदर चाहिए होते हैं वो सारे फीचर यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। बात करें इसके एक्सोरूम प्राइस की, 15,30,000 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइस है। 15 लाख रुपये जो हम पे करते हैं क्या उसमें ये कार वर्थ है या फिर नहीं है, आज इन डेप्थ रिव्यू होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें डायमेंशन के बारे में, 1790 mm यहाँ पे विड्थ देखने को मिल जाती है और गाड़ी का रोड प्रेजेंस तय करता है उसकी विड्थ, तो यहाँ पे अच्छी खासी विड्थ देखने को मिल जाने वाली है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट कार है भाई क्रेटा। बात करें इसके फ्रंट लुक के बारे में तो भाई ये देखिए, वाओ, LED DRLs मिल जाते हैं और भाई यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। और बात करें भाई फोक लैम्प की तो यहाँ पे आपको हेलोजन फोक लैम्प मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। वहीं नीचे यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की यूनिट मिल जाती है। बात करें ग्रिल के बारे में तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश के अंदर ग्रिल मिल जाती है एंड बीच में भाई आपको मिलता है सिल्वर फिनिश, हुंडई का लोगो है, बड़ा ही अमेजिंग ग्रिल मिल जाता है। इसके नीचे यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है और रेडिएटर ग्रिल छोटी सी आपको ब्लैक फिनिश के अंदर मिल जाती है। ओवरऑल जो इसका फ्रंट लुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। कहीं से भी इसका जो डायमेंशन है, इसका जो लुक है वो आपको बोरिंग नहीं लगने वाला, फ्रेश लुक के साथ आपको क्रेटा देखने को मिलेगी। एंड ये जो नया इसका फेस लिफ्ट वेरियंट है ना भाई, इसने तो दिल ही जीत लिया, बड़ा ही अमेजिंग लगता है। बात करें साइड प्रोफाइल के बारे में तो 4300 mm की यहाँ पे आपको मिल जाती है लेंथ, और वहीं बात करें व्हील बेस की, 2610 mm इसके अंदर आपको व्हील बेस देखने को मिल जाने वाला है। टायर सेक्शन की बात करें तो 17 इंच के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टायर, जिसका प्रोफाइल साइज़ है 215/60R17। सिल्वर फिनिश के साथ यहाँ पे आपको एलोइज मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो कि भाई सेफ्टी के लिए काफ़ी सही है। नीचे आपको मिल जाता है स्किड प्लेट और 190 mm यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। ओवरवीएम की बात करें तो बॉडी कलर्ड मिल जाता है ओवरवीएम, इसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर की यूनिट मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। AB पिलर आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश के अंदर मिलते हैं और भाई ये है गाड़ी का ओवरऑल साइड प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग साइड प्रोफाइल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। 50 लीटर का यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्यूल टैंक और भाई इसके ऊपर आपको मिल जाता है सिल्वर फिनिश जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और भाई ये है क्रेटा का रियर लुक, क्या बात है भाई, बढ़िया कार लगती है रियर से भी, काफ़ी महंगी गाड़ी फील होती है जब आप इसका रियर लुक देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें इसके रूफ पे तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है पैनारोमिक सनरूफ, रूफ रेल्स और भाई ऊपर मिल जाता है आपको सार्फिन एंटीना, क्या बात है भाई। इस वेरियंट में आपको रियर डिफोगर, रियर वॉशर और रियर वाइपर ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। थोड़ी सी गाड़ी गंदी है लेकिन भाई सह लेंगे थोड़ा। पीछे आपको मिल जाता है हुंडई का लोगो, क्रेटा की बैजिंग और भाई एसएक्स की बैजिंग आप देख पा रहे हैं। हुंडई के लोगो के ऊपर आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प और भाई यहाँ पे मिल जाता है आपको रियर कैमरा। ओवरऑल लुक बड़ा ही शानदार मिलता है। बात करें टेल लैम्प के बारे में तो LED टेल लैम्प का सेटअप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। रियर डिफोकर यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि भाई अगेन काफ़ी ज़्यादा सही है। और भाई स्किड प्लेट, 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के। ओवरऑल भाई गाड़ी का रियर लुक दिल जीत लेगा, अमेजिंग रियर लुक निकल के आता है इसका। इस प्राइस सेगमेंट की जो भी SUV कार है ऐसा लुक आपको किसी भी कार में नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बात करें इसके की के बारे में तो भाई ये देखिए, यहाँ पे आपको ऐसी रिमोट की मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है और बीच के वाले बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आपकी गाड़ी ऑन हो जाती है, और भाई इस वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपका बूट एक्सेस हो जाता है। तो बूट ओपन करते हैं, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया बूट अनलॉक हो जाता है लेकिन ओपन नहीं होता है। पीछे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपका बूट एक्सेस हो जाता है, क्या बात है भाई। 433 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा है और भी काफ़ी सारा लगेज इसके अंदर आपका आ सकता है। बात करें स्पेयर व्हील की तो भाई नीचे आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील स्टील रिम के साथ, अमेजिंग है और भाई अच्छा खासा लगेज यहाँ पे आपका आ जाता है। पीछे आपको मिल जाती है लाइट, इसके ऊपर आपको मिल जाता है पार्सल ट्रे और भाई इस पार्सल ट्रे को यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। पार्सल ट्रे की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाती है, तो ओवरऑल आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है।
इसके ऊपर आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल, आसानी से आप इसके बूट को बंद कर सकते हैं। ये देखिए भाई, तो भाई जो इसका रियर लुक है आपको डेफिनेटली पहली लुक में इसका रियर लुक पसंद आ जाने वाला है। चलिए चलते हैं अंदर, चेक करते हैं अंदर क्या कुछ हमें मिल जाता है। तो एंट्री करने के लिए ये देखिए भाई, की का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है बटन, आराम से आप इसको ओपन कर सकते हैं। कीलेस एंट्री यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करें इंटीरियर की, तो भाई ये देखिए वाओ, ब्लैक एंड ग्रेस टाइप का यहाँ पे आपको इंटीरियर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। बात करें भाई डोर ट्रिम के बारे में, तो काफ़ी वाइड ओपन होता है डोर, एंट्री एग्जिट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है हार्ड प्लास्टिक। ये देखिए भाई, ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है डोर हैंडल, और भाई इस वाले बटन से आप अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ORVM को एडजस्ट करने का बटन मिल जाता है। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, बोतल होल्डर है भाई। चार स्पीकर का सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाला है। बात करें सीट्स की, तो भाई यहाँ पे आपको मिलती है फैब्रिक सीट, लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मिलती है। जो ये सीट है, आप इनको रिक्लाइन एंगल पे एडजस्ट होने के साथ साथ आप इनको हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। सभी सीट पे आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सही है। बात करें ओवरऑल इसके इंटीरियर के बारे में, तो भाई ये है इसका इंटीरियर। इस इवेंट की बात करें तो भाई ये देखिए क्या अमेजिंग इस इवेंट मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। ये देखिए भाई, यहाँ पे आपको मिल जाता है हिल असिस्ट का बटन, और यहाँ पे हेडलाइट को लेवल करने का बटन मिल जाता है। तो ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला है। ये देखिए भाई, इसके इंटीरियर से भी डेफिनेटली आप कभी बोर नहीं होने वाले। बात करें इसके क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। मैं आपको फिर से ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन करते हैं, ये देखिए भाई क्या ग्राफिक्स आ रहे हैं, वाओ। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे, वॉइस कमांड भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर और भाई टैकोमीटर दोनों ही मिल जाता है, आपको अच्छा खासा यहाँ पे क्लस्टर मिल जाता है। बात करें स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग मिल जाती है, डी कट, और भाई ये जो स्टेयरिंग है ये आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिलती है। ये देखिए भाई, स्टेयरिंग का जो लुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी। छोटी सी स्टेयरिंग मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। स्टेयरिंग पे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाता है, हुंडई का लोगो है, और भाई इसमें मिल जाता है आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। ये जो बटन आप देख रहे हैं ये है इंफोटेनमेंट के। बाकी यहाँ पे आपको टेलीफोनिक बटन्स मिल जाते हैं, हुंडई का लोगो है, और इन सारे बटन से आप अपनी गाड़ी के अंदर जो MID है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर पाएंगे। स्टेयरिंग के पीछे आपको सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं, वाइपर स्टॉक्स, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेडलाइट के स्टॉक्स। बात करें सेंट्रल कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे आपको अमेजिंग सेंट्रल कंसोल मिल जाता है, 10.24 इंच की यहाँ पे आपको मिल जाती है स्क्रीन, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। काफ़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, और भाई जो उसका टच है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव मिलने वाला है। जो ये टच स्क्रीन है ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करता है, और टच काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल जाती है। बीच में आपको बटन्स मिल जाते हैं, और बात करें AC वेंट की, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप के अंदर AC वेंट मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। ये देखिए, मुझे ये पसंद आया भाई, जो उसका टच है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, वाओ अमेजिंग भाई। हुंडई बहुत ही जेन्युइन काम करती है अपनी गाड़ियों के अंदर, फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको AC मिल जाता है, हज़ार लाइट का यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच, और ऊपर मिल जाता है आपको हार्ड प्लास्टिक। ये देखिए भाई, यहाँ पे आपको सॉफ्ट प्लास्टिक मिल जाने वाला है। ग्लोव बॉक्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको डिसेंट साइज का ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, कूल्ड यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, USB पोर्ट है, जो कि भाई अमेजिंग है। बीच में आपको मिल जाता है थोड़ा स्पेस। और बात करें भाई ट्रांसमिशन की, तो ये कार आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल जाने वाली है, जो कि भाई अमेजिंग है। इसके नीचे आपको मिल जाता है लेदर। एक बार चेक कर लेते हैं इसके रियर कैमरे का व्यू, कैसी क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है रियर कैमरे में। तो मैं इसको डालता हूँ रियर गियर में, तो भाई ये देखिए, ये है इसके रियर कैमरे का व्यू, काफ़ी ज़्यादा साफ़ आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, अच्छे से काम कर रहा है। और भाई यहाँ पर आपको एडेप्टिव गाइडलाइन के साथ कैमरा मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर है, और भाई पीछे आपको मिल जाता है हैंड रेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके नीचे आपको मिल जाता है थोड़ा सा स्पेस, और भाई अच्छी बात यह है कि जो ये हैंड रेस्ट है ये आपको लेदर रैप्ड मिलता है।
फिट एंड फिनिश बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलेगी इसके हर एक पार्ट्स के अंदर। ऊपर मिल जाता है आपको ऑटो डिमिंग IRVM जो कि भाई अमेजिंग है। यहाँ पे मिल जाता है आपको सनसेट नॉर्मल और फिर को पैसन साइज यहाँ पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। ऊपर मिल जाता है आपको सन ग्लास होल्डर जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट स्पेस है। और भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है केबिन लाइट वाइट कलर के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और इस बटन से आप अपनी गाड़ी के सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। तो भाई ये देखिए इसके अंदर आपको मिल जाती है पैनारोमिक सनरूफ मूनरूफ जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होती है। आगे वाला जो पार्ट है ये आधा ओपन होता है, बाकी पीछे वाला पार्ट ओपन नहीं होता है। ये देखिए भाई कितना बड़ा यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाता है, अमेजिंग भाई अमेजिंग। आप इसके मज़े ले सकते हो हिल स्टेशंस पे और भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे आपको सनरूफ मिलने वाला है। बंद कर देता हूँ। ये भाई चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आप अपनी कार को हिल एरियाज में लेके जा रहे हो तो अच्छा सा माहौल बन जाता है और गाड़ी के अंदर भी अच्छी सी लाइटिंग आपको देखने को मिल जाने वाली है। ये देखिए भाई यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बड़ा सारा पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाने वाला है जो कि भाई प्राइस पे करेंगे ना आप इसका उसमें आपको सब चीज़ें वर्थ मिलने वाली है। और चलते हैं गाड़ी के पीछे की साइड और भाई हम आ चुके हैं इसके रियर डोर पे। तो भाई बात करें रियर डोर ट्रिम के बारे में तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सनसेट जो कि अगेन भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये एसेसरी होना समर्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एडजस्टेबल है, आप इसको हटा भी सकते हैं, आप इसको लगा भी सकते हैं। हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। और भाई बात करें डोर हैंडल की, सिल्वर फिनिश के अंदर यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाता है। पावर विंडो का बटन मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट और भाई यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं। बात करें सीट के बारे में तो यहाँ पे आपको अगेन फैब्रिक सीट्स मिल जाती है। और भाई बैठते हैं अंदर तो ये है इसका कंफर्ट। आगे वाली जो सीट है मेरी हाइट के अनुसार एडजस्ट है तो यहाँ मुझे अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है और यहाँ पर मुझे पॉकेट्स भी मिल जाती है जो कि अगेन भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पीछे आपको एसी वेंट मिल जाते हैं जो कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। और पीछे से इसका इंटीरियर कुछ ऐसा लगता है अमेजिंग, डैशबोर्ड मिलने वाला है और भाई यहाँ से दिखता है पैनारोमिक सनरूफ का व्यू। ये देखिए भाई गजब ही है। तो फाइनली बात करें क्रेटा के कम्फर्ट की तो भाई जब आप इतना पैसा पे करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छा खासा कम्फर्ट मिल जाता है, सीट अच्छे से यहाँ पर रिक्लाइंड है तो आपको मज़ा आने वाला है। सीट का कंफर्ट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाता है। बात करें लेग रूम की तो जो आगे वाली सीट है ये मेरी हाइट के अनुसार एडजस्ट है तो भाई यहाँ पे देखिए लेग रूम अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। बात करें हेड रूम की तो भाई अच्छा खासा हेड रूम मिल जाता है। अच्छी बात ये पीछे वाली सीट पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको कुशंस भी मिल जाते हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो जो आपकी राइड है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और भाई सीट यहाँ पे आपको अमेजिंग मिलती है, थाई सपोर्ट इन सीट्स का काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाता है। बीच में इतना बम्प नहीं है तो भाई आराम से 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। तो भाई ये था इसका रियर सीट। चलते हैं इसके इंजन की ओर, चेक करते हैं इसका इंजन स्पेसिफिकेशन। फाइनली बात करें क्रेटा के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का CRDI 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 113 BHP की पावर जनरेट करता है, वहीं 250 NM का टॉर्क जनरेट करता है। बात करें माइलेज की तो ये कार आपको डीजल में 21 की माइलेज क्लेम करती है इस इंजन के साथ। तो यहाँ पे आपको अच्छा पावरफुल इंजन मिल जाता है और भाई यहाँ पे आपको अच्छा खासा माइलेज भी देखने को मिल जाने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्रेटा कैसी लगी मुझे कमेंट करके